और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां कानपुर देहात सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप तभी सामने आता है जब समाज का सबसे निचला तबका उसकी योजनाओं और नीतियों से लाभान्वित हो। प्रदेश सरकार के 100 दिन पूर्ण होने पर यदि प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का मूल्यांकन को शब्दों में करना चाहें तो यही कहेंगे कि मुख्यमंत्री योगी की प्रेरणादायी नेतृत्व में जनप्रतिनिधियों से लेकर सरकारी नौकरशाह तक को प्रेरित किया गया है ताकि वो तन मन से जनता के सहयोग के लिए समर्पित हो जाए। और इसी नेतृत्व का परिणाम है कि प्रदेश में समाज का सबसे निचला से निचला तबका भी अपने आप को शासन और प्रशासन से जुड़ा हुआ महसूस करता है। इसी उपलक्ष में जनपद के प्रभारी मंत्री गन्ना विकास एवं चीनी मिल विभाग उत्तर प्रदेश राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं का बिंदुवार विवरण पत्रकारों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनपद में प्रशासन के सहयोगी रवैये के कारण संपूर्ण जनपद के लोग सरकार की योजनाओं से न केवल लाभान्वित हो रहे हैं बल्कि उनके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव भी हो रहे हैं। खाद एवं रसद विभाग के अंतर्गत इस जनपद में कुल 12,92,000 लाभार्थियों को निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया गया, तो वहीं मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 225 जोड़ों का विवाह सम्पन्न कराया गया है। वहीं 258 दिव्यांगों को पेंशन दी जा रही है। इसके साथ ही अलग अलग योजनाओं के लाभ भी गिनाए गए। मौके पर राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला, जिलाध्यक्ष अविनाश सिंह चौहान, विधायक रसूलाबाद पूनम संखवार, जिलाधिकारी नेहा जैन के साथ पुलिस प्रशासन और तमाम अधिकारी उपस्थित रहे। विराट 24 न्यूज के लिए कानपुर देहात से सुरेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। दिन का कार्यक्रम मैं पूरा विस्तार से मैंने आप लोगों के बीच रखा और लगभग सभी चीज़ें आ गई, उसमें कानून व्यवस्था को लेकर के, उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के सभी चीज़ों पर विस्तार से हम लोग। मंत्री जी, आगे का क्या, आगे की क्या योजना रहेगी आपकी? इस दौरान जो है कई सारी शिकायतें आई हैं जनपद से, उनको किस तरह सुनकर जो है सिखाया जाएगा और जो चीज़ें अभी संज्ञान में आई है, हम जिलाधिकारी जी, एसपी साहब, हमारे सहयोगी मंत्री जी और माननीय विधायक लोग सब लोग अलग से बैठे बात कर रहे हैं। मंत्री जी, एक सवाल है, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी खुले मंच से कहते हैं कि किसी गरीब का या बेवस का अगर कोई लाचार है या किसी तरह उसके पास कोई आय नहीं, मकान की सुविधा नहीं, वो कहीं भी तालाब पे जमीन बना रहा है, आवास बना के रह रहा है, जब तक प्रशासन उसकी रहने की व्यवस्था न कर दे उसका आवास नहीं गिराया जाएगा। ऐसे में मुख्यमंत्री का आदेश भी कानपुर देहात में दरकिनार किया जा रहा है, अधिकारी गरीबों का आवास गिरा रहे हैं। मुझे